वेलकम अल्फा वॉरियर्स, आई एम रविंदर यादव, योर होस्ट फॉर टुडे। आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सहगल सर। सहगल सर हमारी टीम में अल्फा रेजिमेंट में, और सर की ही गाइडेंस में, इन्हीं की मेंटरशिप में और डायरेक्शंस में अल्फा रेजिमेंट रन करती है। सारे SSB कोर्सेज आर डिज़ाइन एंड प्लान एंड एग्जीक्यूटेड बाय दी सहगल सर ओनली इटसेल्फ। सर एक्स कमांडेंट रहे हैं सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल भोपाल के, और सर 2 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं SSB बोर्ड के, 11 SSB एंड 22 SSB भोपाल के और 11 SSB इलाहाबाद में। सर 2017 में रिटायर हुए एज अ DG ऑफ AAD, और उसके बाद से सर बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं टू फुलफिल देयर ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग इंडियन आर्म फोर्सेज एंड सर्विंग द मदरलैंड। सो आज सर से कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट के रहते हैं उन पर बात करेंगे। ऐसे ही कन्फ्यूजन एक लेफ्टिनेंट और ल्यूटेनेंट में भी होती है, सो उसका सर क्लियर कर देना आप अगर मेरी नॉलेज गलत हो तो। जो ब्रिटिश में हम ब्रिटिश इंग्लिश में लेफ्टिनेंट बोलते हैं, अमेरिकन में ल्यूटेनेंट बोलते हैं, सो वी फॉलो लेफ्टिनेंट, वी आर फॉलोइंग लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी। सर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो जर्नली आई बिलीव कि जो एस्पिरेंट्स के आंसर नहीं हुए हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एटलीस्ट मेरे को नहीं मिले, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सर OLQ हमें पता है उसी पे हमारे सारे बोर्ड काम कर रहे होते हैं, चाहे आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है, नेवी है। अब क्योंकि ये क्वालिटीज़ हैं तो इनका लेवल क्या होना चाहिए? लेट से ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन स्किल की मैं बात करूँ तो आर्मी कहेगी कि ठीक है, ओके भी राइट है, और नेवी ज़्यादा डिमांड कर सकती है, तो ऐसे तीनों फोर्सेज में OLQ का जो रिक्वायरमेंट है वो लेवल सेम रहता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है? देखो जो असेसमेंट हो रही है वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की, जो असेसर्स की ट्रेनिंग कॉमन होती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स एक साथ ट्रेन करते हैं। सो जैसे मैं भोपाल में था, मेरे पास 3 आर्मी के बोर्ड थे, 1 नेवी का बोर्ड था, और जो असेसमेंट हो रही थी वो कॉमन यार्ड स्टिक पे हो, मतलब अगर नेवी का असेसर छुट्टी पे है तो आर्मी का वहाँ जाके टेस्ट कर सकते हैं, सिमिलरली आर्मी का असेसर अवेलेबल नहीं है तो नेवी का असेसर आके कई बार टेस्ट करता, तो इट इज़ एब्सोल्युटली कॉमन वे ऑफ चेकिंग वेदर इट इज़ आर्मी नेवी एयरफोर्स, तीनों की यार्ड स्टिक एब्सोल्युटली सेम है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी सेम है, टेस्टिंग सेम है, लेवल सेम रिक्वायर, कोई फ़र्क नहीं हो। सो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई राइट, कि आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए हमें कुछ सेपरेट नहीं चाहिए, ऑल आर सेम, ओनली डिफरेंस ऑफ द यूनिफॉर्म एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट सर, बहुत बच्चों का डाउट नहीं इंस्पिरेशन होता है कि वो स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन करें या कोई भी एडवेंचर में जाएं, सो उसके लिए कौन सी एंट्रीज बेस्ट रहती हैं? लेट से अगर कोई इंजीनियरिंग एंट्री में जा रहा है TGC या TES में, तो उसको भी चांस मिल सकता है स्पेशल फोर्सेज में जाने का या नहीं मिल सकता? स्पेशल फोर्सेज के लिए नॉर्मली जो हैं वो मोस्टली इन्वेंट्री ऑफिसर्स जाते हैं, बिकॉज एक तो थोड़ी फिजिकल फिटनेस उनकी जो इन्वेंट्री ट्रेनिंग के बाद थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है, वो टेक्निकल ब्रांच में गया है, इतनी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है वहाँ, ज़्यादा एकेडमिक ट्रेनिंग है, सो उसके लिए प्रोबेशनरी कोर्स होता है पहले, और अगर आप उसमें सर्वाइव कर जाओ जो बहुत कम करते हैं, देन ओनली तब आप स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन कर सकते। सो फिजिकल एंड मेंटल बोथ आर रिक्वायर्ड वेरी हाई, सो यू फाइंड मोस्टली द पीपल फ्रॉम इन्वेंट्री आर दी वन, बट अदर आर्म्स के भी हैं, प्रोवाइडेड दे कैन सर्वाइव दी बेसिक प्रोबेशनरी ट्रेनिंग। सर एक जो नॉर्मल एक एस्पिरेंट है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उसका बड़ा एक कॉमन सी एक प्रॉब्लम रहती है कि जब SSB प्रिपरेशन स्टार्ट करता है और PIQ फॉर्म देखता है तो उसमें देखता है हॉबी वाला पार्ट जो रियलिटी में उसका खाली रहा है। अब उसने SSB के लिए कुछ हॉबीज़ डेवलप करने की कोशिश की कि उसने कुछ बुक पढ़ ली और वहाँ पे उसने रीडिंग डाल दी, लेट से पैसिव कुछ हॉबीज़ होती हैं कि म्यूज़िक सुनना है, मूवी देखना है, जो ज़्यादा आई थिंक SSB में बहुत अच्छी कंसिडर नहीं की जा सकती, तो उस सिनेरियो में बच्चा क्या करे जिसके पास हॉबी नहीं है, तो कैसे डेवलप करे और क्या ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दे कि नहीं सर ऐसा कुछ? देखो बच्चों की जो स्कूल या कॉलेज एजुकेशन होती है काफ़ी लंबी होती है, 12वीं तक स्कूल में है, उसके बाद 3 या 4 साल कॉलेज में, डिपेंडिंग ऑन दैट, सो
एक तो आप अपनी पढ़ाई करते हो ना, उसके अलावा भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि कुछ ना कुछ करो। अब हॉबीज आपकी फिजिकल सॉर्ट ऑफ वे में भी हो सकती हैं, जैसे आप एडवेंचर है, आप ट्रेकिंग करते हो, या आपको मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, ड्राइविंग का शौक है, या आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया आपने, रैपलिंग कर ली, पैरासेलिंग वगैरह कर ली, एक तो ये होता है। दूसरा, अगर इनकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो बहुत सी चीज, स्कूल में आपने डिबेट में पार्ट लिया, ड्रामा में पार्ट लिया, घर में आप गार्डनिंग करते हो, म्यूज़िक का शौक है, सो कई टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चा करता है। स्टैम्प कलेक्शन है, कॉइन कलेक्शन है, यू नो, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा अपनी लाइफ। ये कह के मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया तो वो तो फिर वैसे ही अनसुटेबल था बंदा, जो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता तो देन इज रादर डल पर्सन। ठीक है सर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि लेट्स से आप प्रेसिडेंट हो किसी बोर्ड के और आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर्स आते हैं कि आपको किसी भी एक असेसर को रखना है, दैट कैन बी आईओ, साइकोलॉजिस्ट और जीटीओ, तो आप किसको रखेंगे बेस्ड ऑन आपको लगता है कि कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जीटीओ, आईओ या साइकोलॉजिस्ट? अगेन दिस इज हाइपोथेटिकल बिकॉज द होल एसएसबी इज बेस्ड ऑन 3 टेक्निक्स, सो ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट किसी को कहना कि ये इम्पोर्टेंट है वो नहीं है, ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। एक्चुअली ये हमारी डिस्कशन इंटरव्यू से पहले चल रही थी, सो नॉर्मली सोशल मीडिया में जैसे होता है ना, कॉन्ट्रोवर्सी करो, व्यूज ले, सो उस तरह का क्वेश्चन था, हमने सोचा था अगर एक असेसर करेगा तो हो सकता है गलती कर दे सिलेक्शन, और फिर वो आर्म फोर्सेस को 40 साल झेलना पड़ेगा। नहीं सर, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। सर, न्यूज़पेपर रीडिंग, सब कहते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट फॉर दी एसएसबी, अब क्वेश्चन ये आता है कि किस लेवल तक पढ़े, लाइट से एडिटोरियल पढ़ना कंपलसरी है या कौन से डोमेन के, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर डेली का पढ़ पाना थोड़ा सा वो डिफिकल्ट रहता है जिस टाइम पे आप रिटर्न के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। सो ये बेसिक क्वेश्चन है, एज अ कैंडिडेट जो ऑफिसर बनना चाह रहा है इन द आर्म फोर्सेज, उसको बहुत सी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्टली उसको पता होना चाहिए मेरे देश में क्या हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, यू नो, राम मंदिर बन गया, रिलीजियस हो, ही शुड नो मेरे देश में क्या हो रहा है। सेकेंडली, मेरे देश की नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या हो रहा है ना। अब जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन हुई है, इंडिया में होने जा रही है, रशिया में इलेक्शन हुई है, ही शुड नो अबाउट दिस थिंग्स। फिर जो सुपर पावर्स हैं उनके बारे में, जैसे चाइना, रशिया, अमेरिका, यूएस, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, पर्टिकुलरली जब इंडिया को कंसर्न करती हैं तो उसके बारे में भी जानना चाहिए। कोई वॉर चल रहे हैं, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, गाजा में वॉर चल रहा है, अगर ये सब चीज़ें उसको जाननी ज़रूरी हैं तो अपने आप समझ आ जाएगा पेपर देख के कि भाई यार इसके बारे में आर्टिकल है, इसको पढ़ लेता हूँ, यू नो, उसमें अगर थोड़ा सा भी दिमाग है, अगर उसमें पेपर में आर्टिकल है भी टमाटर महंगे हो गए हैं, सो ही विल नो दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एज फार एज एसएसबी इज कंसर्न, बट अदर थिंग्स ही शुड बी एबल टू जज दिस इज़ इम्पोर्टेंट, पढ़ ही लेता हूँ इसको, शायद कुछ क्वेश्चन आ जाए। इसलिए ही होता है कि न्यूज़ देखने से ज़्यादा न्यूज़पेपर इफेक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज़ चल रही होती है नॉर्मली, मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो। और इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको उस चीज़ को इन डेप्थ जाके समझना और फिर अपने व्यूज़ भी बनाने हैं उसके ऊपर। जैसे लेट्स से अभी चल रहा है देश में कि वन नेशन वन इलेक्शन, आपने पढ़ लिया वन नेशन वन इलेक्शन, तो अब आपके भी कुछ इस पर व्यूज़ होने चाहिए कि अगर होनी चाहिए तो क्यों, नहीं होनी चाहिए तो क्यों, और यहाँ पे आपका इंटेलेक्ट पता लगता है कि बंदा पढ़ के समझ सकता है और फिर उसके ऊपर अपने व्यूज़ भी दे सकता है, सो सूटेबल इसका दिमाग ठीक चल।
है ना। तो ये कोई आपको बताएगा नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये न्यूज़ में आता रहा है, काफ़ी महीनों से आ रहा है, तो जो पढ़ रहा है उसको समझ आ जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है अपने आप। सो दैट डिसीजन द कैंडिडेट हैज टू मेक, इज दिस इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, इज इट गोइंग टू अफेक्ट द होल नेशन, सो ऑल दिस थिंग्स उसको खुद जज करना पड़ेगा। सर जब आप बोर्ड में आई हो थे एज ए, तो आपका वहाँ पे न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे, या कुछ मैगजीन रेफर करते थे, या एक न्यूज़पेपर रहता था वो कौन सा रहता था जर्नली? आजकल तो सब न्यूज़पेपर नेट पे हैं, आप डूल मेरे टेल फोन पे नौ न्यूज़पेपर मैं कोशिश करता हूँ सबको ग्लांस कर रेस्टोरेंट देख सकते हो, अगर सैगल सर जैसे आपके रहते हैं आईओ तो नौ न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ सकते हैं आपको बिल्कुल बिल्कुल इम्प्रेस करने के लिए। ओके एस्पिरेंट, अगर यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्योंकि कंटिन्यू काफ़ी न्यूज़ आने वाली है इसमें, और जैसे इफ आई टॉक अबाउट द मेटावर्स सिलेक्शन सिस्टम, सो उसमें ARSB अल्फा रेजिमेंट सिलेक्शन बोर्ड पूरा मेटावर्स पे बना है, वहाँ पे आप लाइक माइंडेड से कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो न्यूज़ फर्दर आपको मिलती रहेंगी कि वो कब लॉन्च हो रहे हैं एवरीथिंग। चैटबॉट भी SSB GPT भी लॉन्च करने वाले हम, सो उससे रिलेटेड भी है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी मॉक SSB मॉक इंटरव्यू और कोचिंग समथिंग, यू कैन चेक आर वेबसाइट alfarajman.in, यू विल फाइंड एवरी इंफॉर्मेशन देयर, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यू कैन कनेक्ट विद रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर्स एज वेल, अगर आपको बोर्ड में कोई इशू आता है और आपको उनसे कंसल्ट करना है तो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप वील कीप talking and putting both such podcasts for benefit of those who want to बिल्कुल सर, ये continue practice रहेगा, mock interviews वगैरह live classes के sessions आते रहेंगे, and और मैं बच्चों को कहना चाहूँगा आप आइए यहाँ पे अल्फा रेजिमेंट में, आपको अच्छे से guide करेंगे और एक एक doubt आपका clear करके फिर यहाँ से भेजेंगे, ताकि आपको SSB फेस करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम। तो ये सर ने बात कह के तो फाइनली वाइंड अप ही कर दिया सब कुछ, राइट। ठीक है सर, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।